प्रकृति की सुंदरता देखो, बिखरी चारों ओर है। कहीं पर पीपल, कहीं अशोक है, कहीं पर बरगद का घोर है। लाल गुलाब से सुर्ख है, देखो धरती के दोनों गाल। लिली, मोगरा और चमेली मचा रहे हैं ये धमाल। सुप्रभात। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक वृंद, निर्णायक मंडली एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे विद्यालय में वाक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। अतः इस अवसर पर मैं तनिष्का चक्रवर्ती और मैं सौम्या प्रियदर्शिनी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे अपने अंदर छुपी हुई वाक शक्ति को अपने वक्तव्य के रूप में प्रस्तुत कर सके। इस प्रतियोगिता में कक्षा 11वीं एवं 12वीं के छात्र और छात्राओं को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रतियोगिता के आरंभ में मैं फादर प्रिंसिपल से यह आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर आकर प्रतियोगियों के उत्साह वर्धन हेतु दो शब्द बोले। माय डियर टीचर्स, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 एंड 12, रेस्पेक्टिव पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 एंड 12, फॉर यू इट्स गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट मोमेंट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। टुडे यू हैव हिंदी इलोक्यूशन एंड हिंदी extemporary. Our purpose to organize is to give you a platform where you can excel in your co-curricular activities. We provide a platform where you gain self-confidence and overthrow your stage fear. Therefore, do not focus on winning and losing. You admire yourself that you are selected among many. You admire yourself that you have got the opportunity to stand and to speak for public. You give your best and leave the rest. Thanks to the parents who cooperated with us and sent their children to the school to practice for 2 days and to perform on the stage. In advance, thanks to the organizers, thanks to the contestants, all the best to each one of you. May God bless us and bless the day. Thank you. धन्यवाद फादर। आज की इस प्रतियोगिता को दो चरणों में विभाजित किया गया है। पहले चरण में तैयार वाक प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसका समय 5 मिनट तक का होगा। दूसरे चरण में तक्षण वाक प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसका समय 5 मिनट तक का है। 4 मिनट 40 सेकंड में चेतावनी घंटी दी जाएगी। जो प्रतियोगी दूसरी घंटी के बाद भी बोलना जारी रखेंगे, उनका यथोचित मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। 11वीं की पहली प्रतियोगी है समीक्षा सोनी, जिनकी रचना का शीर्षक है जहां एकता है वहां जीत है, द्वारा वैभव गुप्ता। अतः एकता सोनी। नमस्कार। अनेकता में एकता ही है भारत की पहचान, अनेकता में एकता ही है भारत की पहचान। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई है यहाँ की शान। क्या कहा, एकता? आखिर क्या होता है एकता का मतलब? इसका मतलब होता है मिलजुल कर कार्य करने की शक्ति। यह एक प्रबल शक्ति है, यह एक अपार शक्ति होती है। यह वीरता और बलिदान के कार्यों को बढ़ावा देती है और जनता में आत्मविश्वास उत्पन्न करती है। यह देशवासियों को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह जनता को व्यक्ति और समाज दोनों में प्रोत्साहन और प्रेरणा देती है। जैसे अकेले धागे को लेकर कोई भी व्यक्ति आसानी से तोड़ सकता है, परंतु अनेक धागों के मेल से बनी लंबी रस्सी ताकतवर हाथियों को भी बांध देती है। ठीक उसी प्रकार अकेले पानी की बूंद का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन जब यह नदी का रूप धारण करती है तो अपने प्रवाह में आने वाले लंबे से लंबे वृक्ष और शिलाओं को भी बहा ले जाती है। अनेकता में एकता बहुत ही शक्तिशाली है। जो शहीद भगत सिंह के इस विचार के साथ मैं अपने वक्तव्य को प्रारंभ करना चाहूंगा। आजादी, आजादी का सही मतलब वही समझ सकते हैं जिन्होंने कभी गुलामी की हो।
हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। आजादी की लौ तो 1857 में ही जल चुकी थी, जो मशाल बनकर 1947 में हमें आजाद कर लाई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे, तब रंग दे बसंती चोला के एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में पैदा होने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, वे भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। जंग में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर की हालत ऐसी हो जाया करती थी कि प्यार भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटे छोटे बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पूरे बदन की तो बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा होगा साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। लेकिन ऐसी हालत होने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को जंग के मैदान में दुश्मनों की धज्जियां उड़ा देने के लिए भेज दिया करती थी। क्यों? क्योंकि तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। परंतु आज देश बलिदान नहीं मांगता। अगर आप कहेंगे कि साल में हाथ में 2 बार तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि क्या सड़क पर रहने वाला वह बच्चा जो गाड़ियों की छाव में नंगे पैर तिरंगा बेचता है, तो क्या आप उसे भी उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं साहब, यह उसकी देशभक्ति नहीं, यह उसकी पेट की मजबूरी है। अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने देश के प्रति सर्वसमर्पण का भाव ही सच्ची देशभक्ति है, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, और अगर तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है। अगर भाईचारे से रहना है तो रह इस मिट्टी पर, वरना यह कब्र भी तेरी है और यह कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब बहुत हो जाती है जब एक नौजवान लड़का अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम के चौखट पर छोड़ाता है। हम आज भी ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ हजारों निर्भया पैदा होती है, आज भी हजारों निर्भया वस्त्रहीन सड़क पर पड़े अपनी इज्जत की भीख मांगती है, और हम क्या करते हैं? चाय पर चर्चा करते हैं, किसी मसीहे के आने का इंतजार करते हैं। और यही कारण है कि आज हमारा देश भारत महिला सुरक्षा के मामले में 4वें नंबर पर आता है। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इतने ही इच्छुक है तो जीते जी किसी को रक्त दान दीजिए और किसी मरते हुए को अंगदान देकर उसे जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है, यही सच्चा देश प्रेम है। कहने को तो हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान पैदा होते हैं, सिख ईसाई पैदा होते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा साहब, अब यहां इंसान पैदा नहीं होते। जरा सोच कर देखिए, जरा सोच कर देखिए कि ये पेड़ पौधे आसमान भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू मुसलमान हो जाए। लेकिन साहब, मेरी कुछ ऐसी हालत है कि मैं देशभक्ति की भावना को अपने आप से अलग नहीं कर सकता। मैं अपने वक्तव्य का अंत भी महान देशभक्त और शहीद भगत सिंह द्वारा एक विचार से करना चाहूंगा कि इस कदर वाकिफ है मेरे कलम मेरे जज्बातों से, कि इस कदर वाकिफ है मेरे कलम मेरे जज्बातों से, कि अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है, कि अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। जय हिंद। धन्यवाद श्यामू दत्ता। हमारी अगली प्रतियोगी है नेहा नाज, जिनकी रचना का शीर्षक है घायल भारत। अतः नेहा नाज। नमस्कार। मंदिर में दाना चुककर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है, फिर क्यों हो गए हम यूं जुदा कि आज जोड़ने की बात होती है। राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत मेरा चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ, चीख सुनाने आई हूँ। दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगता है कि
क्या बात है भारत, आज कल मैं फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने के काम क्यों आ रहा हूँ। अरे हृदय तो उस दिन फट गया मेरा जब एक बूढ़ी माँ अपने फौजी बेटे के चिथड़ों को देखकर बोलने लगी कि साहब आप तो भर्ती में एक इंच भी कम को नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां किसान जिसके घर की छत तक टपकती है लेकिन फिर भी वो बारिश की दुआ मांगता है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां अगर किसी की 4-6 बेटियां हो जाए तो उसे गरीबी का नाम दे देते हैं। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां एक एक बित्ते जमीन के खातिर जान लेने पर उतर जाते हैं लोग। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और जहां भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। इतने धार्मिक मत होना कि ईश्वर को बचाने के लिए इंसान पर उठ जाए तुम्हारा हाथ, और ना कभी इतने देशभक्त होना कि किसी घायल को उठाने के लिए तुम झंडा जमीन पर ना रख सको। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां आदमी आधी रात तक अपनी अश्लीलता बाहर दिखाते हैं और वहीं अपनी घर की औरतों को 7 इंच के घूंघट में रखना चाहते हैं। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां अपनी माँ के हर काम को ना बोलकर ना बोलने वाली के मुंह पर एसिड फेंकने के उद्देश्य से घर से निकलते हैं। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां चपरासी भी 10वीं पास होना चाहिए परंतु देश चलाने वाला अंगूठा छाप भी चल जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्यान्ह भोजन के लिए नहीं अपितु ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक शिक्षक बनना मजबूरी नहीं समझा जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब बड़ी बड़ी सपने देखने के लिए भरी भरी जेबों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ मौजूद सभी से मैं एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हुक्मरानों से उम्मीद यही आशा है जवानी से, इल्तिजा गांधीवाद की हर एक हिंदुस्तानी से, भले ही सरहद पर खून ना बहाए एक छिलका तो अदब से उठाइए, बिना पवन ही अमर तिरंगा खुद ही खुद लहरा जाएगा। दुष्यंत कुमार जी की लफ्जों में कहूं तो हमारे राजनेता कुछ इस प्रकार हमारी समस्याओं का निदान करते हैं कि पहले आंखें फोड़ देते हैं और फिर चश्मे दान करते हैं। मुझे बहुत दुख होता है जब हमारी जनता उनका चुनाव उनके कर्म और उनके विचार को देखकर नहीं बल्कि उनके धर्म और उनके प्रचार को देखकर करती है। और हाँ, कुछ पैसे वैसे कभी यहाँ कुछ खेल है, और मुझे तकलीफ तब होती है जब शौच के दौरान कुंडी बंद करना और शौच के बाद हाथ धोना जैसी चीजें भी हमें विज्ञापन के माध्यम से बताई जाती है। यूं तो हम सब सरहद पर पौरुष दिखाना चाहते हैं, इस्लामाबाद की धरती पर भी ध्वज लहराना चाहते हैं, और यह ख्वाब बेशक पूरा होगा यौवन में वह शक्ति है शेरों के जो दांत गिने रक्त में वही हिमाकत है। पर भारतवासियों की हालत आज अरे शर्म आती है बताने में, हम नाक सिकुड़ने लगते हैं कागज के टुकड़े को उठाने में। अंत में अपनी वाणी पर विराम लगाते हुए मैं चंद पंक्तियों से अपनी देश की सच्चाई आप तक प्रस्तुत करना चाहूंगी कि जब मुल्ला को मस्जिद में राम नजर आए, जब पंडित को मंदिर में रहमान नजर आए, अरे सूरत ही बदल जाए इस दुनिया की जब इंसान को इंसान में इंसान नजर आए। धन्यवाद आप सभी का, ईश्वर हम सबका भला करे। धन्यवाद। धन्यवाद नेहा। हमारी अगली प्रतियोगी है समृद्धि सिन्हा, जिनकी रचना का शीर्षक है सैनिक द्वारा वैभव गुप्ता। अतः समृद्धि सिन्हा। नमस्कार। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया है, अपनी नन्ही सी गुड़िया को चहकता छोड़ आया है, उसे छाती से तुम अपनी लगा लेना आए भारत माँ, कि अपनी माँ की बाहों को वो तरसता छोड़ आया है। एक सैनिक और उसके परिवार के लिए कितना भारी होता है वो दिन जब वो चंद दिनों की छुट्टियां बिताकर वापस देश की रक्षा के लिए सीमा पर जाता है। उसके दिल में भावनाओं के समुंदर उमड़ते हैं पर उसे मजबूत बना रहना होता है। वो एक सैनिक है ना, वो कैसे कमजोर पड़ सकता है। अभी 3 दिन पहले ही तो आया था वो गांव में माँ की आंचल की छांव में। अभी परिवार के साथ खूब वक्त बिताना था,
साल भर के लिए प्यार बटोरना था, जिसके सहारे वो पूरे एक साल सीमा पर दुश्मन का मजबूती से मुकाबला करता। अचानक खबर आई कि चीन के साथ युद्ध छिड़ गया है, सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द की जाती हैं, 2 दिनों के अंदर सभी अपने मुख्यालय पहुंच जाएं। ये खबर उस माँ के लिए जनरल डायर के किसी फरमान से कम नहीं थी, जिसने अभी अपने लाल को जी भर के निहारा भी नहीं था और अब वो जा रहा था। बड़े ही भारी मन से वो वीर सपूत अपना सामान बांधता है। दर्द तो है परिवार से बिछड़ने का, पर यह खुशी उस पे भारी है कि वो देश के लिए लड़ने जा रहा है। यही तो सपना होता है हर सैनिक का। वो वीर आज गौरवान्वित था, मिट्टी का कर्ज चुकाएगा, पर डर भी था उसके बाद परिवार कहीं अकेला तो नहीं पड़ जाएगा। और उसकी माँ जब उसे देने के लिए लड्डू बनाती है, प्यार आंसू दर्द जाने क्या क्या मिलाती है, आंसुओं का समुंदर है दिल में पर ऊपर से मुस्काती है। जरा सोचिए, हमें पढ़ने के लिए बाहर भेजते वक्त भी हमारी माँ आंसू बहाती है, पर उन पत्नियों और माओं का दिल कितना बड़ा होगा जो जानती है कि शायद उसका बेटा लौट कर ना आए, फिर भी उसे खुशी खुशी विदा करती है। सीमा पर जंग सिर्फ सैनिक ही नहीं लड़ते, घर पर उनकी वीरांगना माताएं भी लड़ती हैं। बेटा जा रहा है और वो माँ मुस्कुरा रही है, पर ये मुस्कुराहट ऐसे ही नहीं आई। अंदर बंद कमरे में बेटे ने उससे कहा कि माँ तुम रोना मत, एक सैनिक की माँ की आंखों में यदि आंसू दिख जाएगा, फिर कोई कैसे अपने बेटे को देश की सेवा में भेज पाएगा। मैं जरूर लौट कर आऊंगा, माँ तुम रोना मत। बेटे को विदा करते हुए माँ क्या कहती है? कहती है, इस माँ को तो छोड़कर जा रहा है, पर भारत माँ का कर्ज चुकाना, और जरा सेहत का ध्यान भी रखना बेटा, कितना दुबला हो गया है तू, जरा ठीक से खाना खाना। माँ के इस हौसले को देख पत्थर भी पिघल गए होंगे, जिस जिसने देखा होगा ये मंजर उनके आंसू निकल गए होंगे। अभी उसे गए हुए हफ्ते भर ही हुए थे, खबर आई कि देश के लिए लड़ते हुए वो शहीद हो गया। ओह, ये क्या हो गया, जरा सोचिए ये खबर सुन उस रात वो माँ कैसे सोई होगी, उसके लाल के सीने में लगने से पहले गोली भी रोई होगी। और फिर तिरंगे में लिपटा उसका शव घर आता है। लौट कर आऊंगा उसने किया था वादा, देखो लौट कर वो आया है, पिता के चेहरे पे गर्व, माँ की आंखों में है आंसू, तिरंगे में लिपटा उसका बेटा घर आया है। उसकी शहादत पर जहां गर्व का गुब्बार है, वहीं आंसुओं का अंबार भी है। उन आंसुओं के चित्कार में जैसे आज आसमान ही फट जाएगा, पर उस गर्व के सजदे में पूरा देश शीश झुकाएगा। इससे बड़ा क्या सम्मान होगा कि अब वो एक शहीद के परिवार कहलाएंगे, पर उसके जाने से जो खालीपन आया उसे कौन भरेगा, क्योंकि जब एक सैनिक शहीद होता है तो हमारे लिए तो सिर्फ एक इंसान जाता है, पर उस परिवार के लिए उनकी पूरी दुनिया चली जाती है। और फिर वो दृश्य जब खो के सुदबुद एक कोने में खड़े हैं पिता, उनके कांधों का गुरूर चला गया, अश्रुधारों से स्मृतियों को धो रही वो बूढ़ी माँ, उसकी आंखों का तो जैसे नूर चला गया, बहनों की राखी का शगुन भी छिन गया और पत्नी के माथे का सिंदूर चला गया। पर यही तो तकदीर है एक सैनिक की, उन्हीं की बलिदानों पर तो आबाद ये हिंदुस्तान है, उनकी शहादतों को हिंद का सलाम है। धन्यवाद। धन्यवाद समृद्धि। हमारी अगली प्रतियोगी है कुमारी एकता शुभम, जिनकी रचना का शीर्षक है दहेज की बलि वेदी, द्वारा अनीता गुप्ता। अतः कुमारी एकता। सुबह नींद खुलते ही पड़ोस से रोने बिलखने की आवाज सुनाई पड़ी, पूछा तो पता चला कि मीना दीदी के ससुराल वालों ने उन्हें जलाकर मार डाला। मैं बदहवास दौड़ती हुई मीना दीदी के घर पहुंची, वहां देखा कि आंगन के बीचों बीच उनकी लाश सफेद कपड़े से ढककर रखी हुई थी। अंतिम दर्शन के लिए जब मैंने उनके चेहरे से कपड़े को हटाया तो मैं अवाक रह गई, उनका
फूल सा खूबसूरत चेहरा अत्यंत विभत्स एवं डरावना लग रहा था। पड़ोस की महिलाएं उनकी मौत को लेकर आपस में खुसुर फुसुर कर रही थी। उनके घर वाले रो तो रहे थे, लेकिन अभी तो उनकी शादी को 3 महीने ही हुए थे। उनके माता पिता ने कितने अरमानों एवं धूमधाम के साथ उनकी शादी की थी। दीदी के पिता ने उनकी शादी के लिए काफी कर्ज भी ले रखा था। घर वालों ने उनकी शादी में कोई कोर कसर नहीं रख छोड़ी थी। फिर ऐसा क्यों हुआ? पता चला कि दीदी के ससुराल वाले दहेज पिपासु निकले। शादी के बाद उन्होंने दहेज की एक और मोटी रकम की मांग की। दीदी द्वारा विरोध करने पर उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और अंत में उनकी हत्या ही कर डाली इन दहेज लोलुपों ने। इस घटना ने मेरे अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। समाज के इस घिनौने एवं विषैले कुरीति पर मुझे आक्रोश के साथ घृणा होने लगी। मैंने संकल्प लिया कि यथासंभव मैं इस कुरीति के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए इसे समाप्त करने का प्रयास करूंगी। मेरे अनुसार जिसने भी दहेज प्रथा को चलाया उसने लाखों घरों को जलाया। दहेज प्रथा में क्या है होता? लड़की का पिता है रोता। समाज से इस कुरीति को हटाना होगा। हम युवाओं को सामने आना होगा, क्योंकि हम नारियों की नियति दहेज की बलिवेदी पर कुर्बान होने के लिए नहीं, बल्कि समाज को एक सुदृढ़ एवं मजबूत आधार प्रदान करने के लिए है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन कुछ दहेज लोलुप दानव हम स्त्रियों को केवल भोग्या और नोट पाने का जरिया समझते हैं। ऐसे दहेज पिपासुओं का संहार करने के लिए हम नारियों को महिषासुर मर्दिनी दुर्गा का रूप धारण करना होगा। कानून व्यवस्था ने हमें अधिकार प्रदान किया है कि हम ऐसे दहेज लोभियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करें और उन्हें सजा दिलाएं। हम स्त्रियों को भी पढ़ लिख कर स्वावलंबी बनना चाहिए, ताकि हम ऐसे ऐसे दहेज लोभियों के चंगुल से निकलकर बिना किसी पर बोझ बने एक स्वतंत्र एवं स्वाभिमान पूर्ण जीवन यापन कर सके। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आशा जी के गीत की ये पंक्ति समस्त नारी वर्ग को समर्पित करना चाहती हूँ। कोमल है कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। धन्यवाद। धन्यवाद कुमारी एकता। कक्षा 11वीं की अंतिम प्रतियोगी है अश्वी कुमारी, जिनकी रचना का शीर्षक है क्या पैसा खुशी खरीद सकता है। अतः अश्वी कुमारी। सुप्रभात। अक्सर लोग कहते पैसा खुशियों की चाबी नहीं होती, लेकिन मैंने हमेशा पाया यदि आपके पास पैसा है तो आप एक चाबी जरूर बनवा सकते हैं। यह सदियों से चला आ रहा एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर उलझनों से भरा हुआ है। किसी का मानना यह है कि पैसा से खुशी खरीदी जा सकती है और किसी का मानना यह है कि पैसों से खुशी नहीं केवल भौतिक चीजें जैसे गाड़ी, घर, लग्जरीज आइटम आदि खरीदे जा सकते हैं। और अगर आप सभी लोगों में से किसी का यह मानना है कि पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती तो फिर जरा सोचिए। किसी व्यक्ति के घर में कोई बीमार है और उसको हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, लेकिन पैसे की कमी के कारण वह उसका इलाज नहीं करवा पा रहा और उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या वो व्यक्ति खुश हो सकता है? कोई व्यक्ति समय समय पर अपने घर की किस्त नहीं दे पा रहा और उसे अपने घर से बेघर होना पड़ जाए तो क्या वो व्यक्ति खुश हो सकता है? कोई व्यक्ति मौजूदा स्थिति के अनुकूल काम आ जाए तो वह पैसा आपको खुशी दे सकता है, और अगर वही पैसा आपके स्थिति के अनुकूल काम ना आए तो वह पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता। मैं आखिरी में यही कहना चाहूंगी,
पैसा खुशी नहीं खरीद सकता तो गरीबी भी कुछ नहीं खरीद सकता। और ये भी किसी ने सच कहा है, जितना महत्व सोने की चैन का होता है उससे अधिक महत्व चैन से सोने का होता है। धन्यवाद। धन्यवाद अश्वी। अब हम कक्षा 12वीं की वाक प्रतियोगिता आरंभ करते हैं। कक्षा 12वीं की पहली प्रतियोगी है अनुष्का दुबे, जिनकी कविता का नाम है प्रेरणा का संकलन, जिनके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। अतः अनुष्का दुबे। नमस्कार। कहते हैं कि खुद पे भरोसा हो तो हम सभी मुसीबत से निकल सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी भी यही कहते हैं। वो कहते हैं कि नित जीवन के संघर्षों में जब टूट चुका हो अंतर मन, नित जीवन के संघर्षों में जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समुन्दर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तब सुख के मिले समुन्दर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। इसलिए कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए कहते हैं कि गिरना भी अच्छा है, गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं हाथ जब उठाने को अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं, मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते देखा है। सीख रही हूं मैं भी मनुष्यों को पढ़ने का हुनर, सीख रही हूं मैं भी मनुष्यों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पे किताबों से ज्यादा लिखा होता है। कुछ करना है तो डटकर चल, अगर कुछ सच में करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं। जो करते रहे इंतजार उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ी, जब आज मेरे सामने है मंजिल इतना बड़ा। जब तक ना पा सकूं मंजिल तब तक मुझे ना विराम है। चलना हमारा काम है। अंत में मैं अपने सभी मित्रों को एक उपदेश देना चाहूंगी कि लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। गहरी नदी नारी जहां, तहां बचावे अंग। झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावगीर होए तिन्हू को झारे। कह गिरिधर कविराए, सुनो हो दूर के बाठी, सब हथियार ना छाड़ी, हाथ में लीजे लाठी। बस एक कदम और इस बार किनारा होगा, बस एक नजर और इस बार इशारा होगा। धन्यवाद अनुष्का। हमारी दूसरी प्रतियोगी है शिफा हक, जिनकी कविता का शीर्षक है द्रौपदी द्वारा कवि आदित्य तिवारी। अतः शिफा हक। सुप्रभात। सुनो कथा में कहती हूँ निर्भीक मूर्त लाचारी की, पारिजात के पुष्पों सी सुगंध लिए एक नारी की। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं पांचाल की राजकुमारी थी, सौत्रामिनी माँ और द्रुपद तात की पुत्री आज्ञाकारी थी। सारे सुख और संपत्ति की वारिस मैं सुकुमारी थी, अपने भाई धृष्टद्युम्न की
भगनी लाड़ दुलारी थी। हुआ यज्ञ से जन्म मेरा, छत्रानी तो था धर्म मेरा, पांचालों और फिर पांडव को था सबल बनाना कर्म मेरा। यूं तो पांडवों की नीड़ में, पर लाज की फकीर में, है नाम द्रौपदी मेरा, श्री कृष्ण की हूँ चीर में। बात डह गया महल उनके झूठे अभिमान का, चल दिए हम द्वैत वन इंद्रप्रस्थ त्याग कर, 12 वर्ष का कठोर वनवास स्वीकार कर। पांडवों के जीवन के सुख दुख को बांट कर, जलकारा फिर कौरवों को अज्ञातवास काट कर, ठहराते हैं मुझे दोषी जो कुरुक्षेत्र की हानि का, कटु वचन भी सुन ले वह मुझ जैसी अभिमानी का। पुरुषों का हर रिश्ता तो दर्पण है अपमान का, पर मैंने है मान बढ़ाया स्त्री के सम्मान का। हुआ पतित समाज और हुआ धर्म का नाश था, दुर्योधन और कंस के मानो तोड़ने दम पाश का। जन्मा था एक मुरलीधर लौ सलाखों के पीछे, उसका यह निश्चय था अधर्म के विनाश का। मैं तो उसके खेल की एक छोटी सी पात्र थी, कुरुक्षेत्र की महायज्ञ की ना हेतुक एक मात्र थी। मैं तो उसके खेल की एक छोटी सी पात्र थी, कुरुक्षेत्र के महायज्ञ की ना हेतुक एक मात्र थी। त्याग नहीं करती जो बनाकर खिलाती हो, ऐसे घर चलाती हो। शादी को हो गए हैं 10 साल, अक्ल नहीं आई, सफेद हो गए हैं बाल। पड़ोस में देखो बच्ची है, लेकिन तुमसे अच्छी है। घर कांच सा चमकता है और हमारा खून सा छलकता है। कितनी बार बोला तकिया छोटा है बढ़ा दो, दूसरा गिलाफ चढ़ा दो, चढ़ाना तो दूर, रुई निकाल निकाल कर आधा कर दिया है, रुई की जगह कपड़ा भर दिया है। कब से समझा रहा हूं कि चीजों को संभाल कर रखो, उस दिन नहीं मिला तो नहीं मिला, कितना खोजा, आखिर रुमाल पैंट की जेब से निकल आया मोजा। वो तो किसी ने शक नहीं किया, खट से नाक पर रख लिया, फिर बाद में काम करते करते बदबू के कारण टेबल पर पटक दिया, और हमने भी कह दिया हमारा नहीं किसी और का होगा। अकल काम आई मगर जोड़ी तो बिगड़ गई। अरे कुछ तो इज्जत करो, 50 बार कहा अपने कपड़े मेरी अटैची में मत रखो। उस दिन कवि सम्मेलन से मिला तार, जल्दी जल्दी चल दिया अटैची उठाकर, खोली कानपुर जाकर, देखा तो सर चकरा गया, पजामे की जगह पेटीकोट आ गया। अब क्या खाक कविता पढ़ते या तुम्हारी पेटीकोट पहनकर मंच पर मटकते। 1 माह से लगातार कद्दू बना रही हो, वो भी रस्तेदार, खूब जानती हो मुझे नहीं भाता, खाना खाया नहीं जाता। कल शर्मा मेरे सामने मूली खा रहा था और इधर मेरे मुंह में पानी आ रहा था। मुन्ना को जब कब्ज हुआ तो बोला एनीमा लगवा दो, तो डॉक्टर को बोली कोरोना का इलाज करा दो। धन्यवाद आभाष। हमारी अगली प्रतियोगी है काश्मीरा दत्ता, जिनकी कविता का शीर्षक है मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ, राघव तक मुझ पर वार करो, द्वारा कवि नरेश कात्यायन, अतः कश्मीरा। नमस्कार। इस बार जैसे ही राम ने दशकंधर को ललकारा है, तरकश से तीखे तीर लिए, कांधे से धनुष उतारा है, वैसे ही विकल दशानन का आकुल विद्रोही मंडोला, वाणी में विस्फोटक भरकर वह राघव से ऐसे बोला, रावण पर बाण उठाने का हे राम उपाय नहीं करना, हे दशरथ नंदन सावधान यह अन्याय नहीं करना। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, करुणा निधान कहलाते हो, दुष्टों का करते हो विनाश, धरती से पाप मिटाते हो, दुनिया का सारा पाप ताप क्या मुझ में ही दिखलाया है, केवल मुझ पे ही बार बार तुमने धन बाण उठाया है। पहले सागर उस पार मिली, फिर सागर इस पार मिली, अपराध किया था एक बार, अपराध किया था एक बार, पर सजा 1000 बार मिली। मैं रक्ष संस्कृति का स्वामी, मैंने तो अपना काम किया, हे आर्य पुत्र नाहद इस दुनिया ने मुझको बदनाम किया। तुम नायक हो मैं खलनायक, बेशक मुझ पर तुम वार करो, भारत के क्रूर दरिंदों का लेकिन पहले तुम संहार करो। माना मैंने धर साधु का वेश, वैदेही का अपहरण किया, लेकिन मर्यादा के विरुद्ध आगे न कोई आचरण किया। सीता अशोक वाटिका में रही, मेरा इतना ही नाता था, मेरी पटरानी बन जाओ कहकर के समझाता था। मैं राक्षस हूँ मेरा स्वभाव भय दिखलाता धमकाता था, पर जब जाता था पास कभी पत्नी को लेकर जाता था। जिसको तुम अपराध कहोगे ऐसा तो कुछ भी हुआ नहीं, लंका में मैंने सीता को एक उंगली से भी छुआ नहीं।
लेकिन जिस भारत को तुम अपनी मातृभूमि बतलाते हो, जिसके आगे तुम मेरी सोने की लंका ठुकराते हो, उस भारत में है राघवेंद्र, पापों की नदी बह रही है, जिसको तुम माता कहते हो, कितने दुख सह रही है नहीं सुरक्षित अब लाएं, हे राम तुम्हारे भारत में, नित लूटी जाती है बालाएं, हे राम तुम्हारे भारत में, कर दिया कलंकित साधुवेश भारत के नमक हरामों ने, अपराधी कुटिल कामियों ने, ज्ञानेश्वर आशारामों ने, मर्यादा की सारी सीमाएं टूटी जाती हैं, कितनी दामिनियां निर्भया सड़कों पे लूटी जाती हैं। हे राघव इन दुष्टों पर क्यों धन टंकार नहीं करते, लज्जा के क्रूर लुटेरों पर क्यों बाण प्रहार नहीं करते, अरे इन पापी अधम पिशाचों के सीने पर प्रथम बाण प्रहार करो, मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव तब मुझ पर वार करो। याद तुम्हें जब लक्ष्मण के सीने में शक्ति समाई थी, तब मेरे सुषेण ने ही उसकी जान बचाई थी, क्या राज्य वेदी ने दुश्मन का उचित उपचार था किया नहीं, यह लंका की मर्यादा थी, बदले में कुछ भी लिया नहीं। भारत के वैद्य जो विशेषज्ञ कहलाते हैं, ये महापुरुष कैसे अपना सेवा धर्म निभाते हैं, भूखे नंगे बीमारों से पहले धन जमा कराते हैं, तब जाके ये सेवा धर्मी रोगी को हाथ लगाते हैं, और फिर भी जो इन अपराधी वैद्यों की कुल फीस नहीं भर पाते हैं, कितने ही शल्य चिकित्सक की मेजों पर मर मर जाते हैं। ये नहीं चिकित्सक है राघव, ये धन के निपट लुटेरे हैं। हे दशरथ नंदन, ये सारे पापी भारत को घेरे हैं, पहले इन राज रोगियों का उपचार करो, मैं वक्ष खोल कर खड़ा हुआ राघव तब मुझ पर वार करो। मैं तो लंका का राजा था, दुनिया का वैभव ले आया, सारी दुनिया में मैंने लंका को सोने से चमकाया, लंका का कोई भी व्यक्ति कभी हे राम भूख से मरा नहीं, मैंने लंका का धन दूसरे देश में भरा नहीं, भारत के धन कुबेर अपना पैसा बचा नहीं पाए, तुम तो भारत के रक्षक थे अपना धन बचा नहीं पाए, चोरी से और दलाली से जनता का शोषण करते हैं ये नए अपराधी, भारत का पैसा विदेशों में भरते हैं, सत्ता इनके हाथों में है इसलिए शान से ऐठे हैं, ऊपर से नीचे तक ये सारे भ्रष्टाचारी बैठे हैं। हे राघव इन दुष्टों के सीने पर प्रथम बाण प्रहार करो, मैं वक्ष खोल कर खड़ा हुआ राघव तब मुझ पर वार करो। रावण का वध करने का संकल्प हृदय में पाल लिया, तुमने बस मुझे देखा और अपना धन बाण संभाल लिया, आखिर कब तक राघवेंद्र बस मेरा ही संहार करोगे तुम, कर चुके मेरा वध एक बार और कितनी बार करोगे तुम। हे कमल नयन हो सावधान, अवसर है नैन भिगोने का, कुछ लोगों को विश्वास नहीं है राम तुम्हारे होने का, हे आर्य पुत्र इन लोगों को अपनी पहचान कराओ तुम, अपने धन की टंकारों से अपनी पहचान कराओ तुम, भारत माता की पीड़ा का उपचार नहीं होने वाला, मेरा वध करके भारत का उद्धार नहीं होने वाला, पहले इन नीचों से अपनी धरती का हल्का भार करो, मैं वक्ष खोल कर खड़ा हुआ राघव तब मुझ पर वार करो। धन्यवाद। धन्यवाद कश्मीरा। हमारी अगली प्रतियोगी है सना अल्फिन, जिनकी कविता का शीर्षक है मैं नारी हूँ, द्वारा कवि सूर्य प्रकाश। अतः सना अल्फिन। सुप्रभात। मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद, मैं ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भगवद गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझको कैसी नियते है दिखलाई, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझको कैसी नियते है दिखलाई, कभी जुए में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई, कलयुग हो या सतयुग हो इल्जाम मुझी पर आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है, मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर पर अकेले निकलती हूँ, डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है, मेरी मुट्ठी बन जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है, जाने वा किसका साया है, जाने वा किसकी आहट है, अंधेरों में उन हाथों ने मुझको बाहों में खींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया, नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला
वाला मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है मुझको पीटा है बालों से मुझे घसीटा है, मारा है मुझको पीटा है बालों से मुझे घसीटा है। फिर बर्बत्ता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया, उन घनी अंधेरी सड़कों पर मुझे अकेला तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही खून से लथपथकाया, सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथकाया। सबने तस्वीरें खींची, जी हाँ सबने तस्वीरें खींची, पर कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो, या चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी सब मुझे यही समझाते हैं, ये नई उम्र के लड़के हैं थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जाओ जो हुआ उसे, अरे भूल जाओ जो हुआ उसे, ये लड़के हैं बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली अकेले रात में, क्या मेकअप थे, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। प्रश्नों की इस भूल भुलैया में सच्चाई कहीं छुप जाती है, प्रश्नों की इस भूल भुलैया में सच्चाई कहीं छुप जाती है। सब भूल जाओ कहने वाले, सब भूल जाओ कहने वाले, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। कैसे भूलूं, कैसे भूलूं उन रातों को मुझको छूते, उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को, कैसे भूलूं उन चीखों को। मेरे शरीर की चोट तो कुछ दिन में भर जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा उम्र भर साथ रह जाएगी। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वाले, याद रखो या आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस दर्द से बड़ा कोई दर्द नहीं हो सकता, और इस दर्द से बड़ा कोई दर्द नहीं हो सकता, जो नारी का अपमान करे वह मर्द नहीं हो सकता। जिस दिन सजाए मौत की लागू होगी इन सारे दोषी लड़कों पर, जिस दिन सजाएं मौत की लागू होगी इन सारे दोषी लड़कों पर, फिर नहीं मिलेगी कोई लड़की खून से लथपथ सड़कों पर, खून से लथपथ सड़कों पर। तो आओ चलो प्रण लो मेरे साथ और यह आह्वान करो, तो आओ चलो प्रण लो मेरे साथ और यह आह्वान करो, अपनी मर्यादा को समझो और नारी का सम्मान करो, और नारी का सम्मान करो। धन्यवाद। धन्यवाद सना। कक्षा 12वीं की अंतिम प्रतियोगी है साम्या इस्लाम, जिनकी कविता का शीर्षक है शहीद का खत, द्वारा कवि सुरेंद्र चौहान। अतः साम्या इस्लाम। नमस्कार। 19 साल का वो बेटा 20 दिन उसकी शादी को हुए और 21वें दिन वो कारगिल की चोटी पर युद्ध करने चला गया। वहां से उसने अपने घर वालों के लिए एक चिट्ठी लिखी, पर चिट्ठी इतनी देर गांव में आई कि उसके पहले तिरंगे में लिपटकर उसका शव गांव आया। सैनिक ने खत में अपनी माँ को लिखा, माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता कर शत्रु भी कायल हुआ है। खून की होली रचाए मैं पुलै कर दिख रहा हूँ, माँ उसी लहू से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूँ। युद्ध था भीषण मगर एक इंच भी ना पीछे हटा हूँ, युद्ध था भीषण मगर एक इंच भी ना पीछे हटा हूँ, माँ तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूँ। एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है, एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है, माँ कसम दी थी जो तुमने आज मैंने पूर्ण की है। तो छा रहा है सामने लो आंखों के आगे अंधेरा, तो छा रहा है सामने लो आंखों के आगे अंधेरा, पर माँ दिख रहा है इसी में मुझे अपना नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी, कह रहे हैं शत्रु भी, मैं जिस तरह शहदा हुआ हूँ लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूँ। माँ तुम ये ना समझना, माँ तुम ये ना समझना कि मैं चिरनींद लेने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ। सैनिक ने खत में अपने पिता के लिए लिखा, हे पिता, हे पिता, मैं तुझे बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूँ, आज कंधों पर खड़ा हूँ आसमां सर ले चुका हूँ। तुम सदा कहते न थे, तुम सदा कहते न थे, ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा, एक दिन कंधों पे अपने ले तुझे चलना पड़ेगा। पर पिता वो भार अपना मैं पूरा ना कर पाया, तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृण को भर ना पाया। ओ पिता, यह प्रश्न मुझको आज तक भी खा रहा है,
ओ पिता, यह प्रश्न मुझको आज तक भी खा रहा है, आज भी ये सुत तेरे कंधों पर ही जा रहा है। सैनिक ने खत में अपने भाई के लिए लिखा, सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आसमाई, सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आसमाई, ओ मेरी बाई भुजा उस वक्त तेरी याद आई। मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूँ, लौट कर भी आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं हूँ, पर अनुज विश्वास रखना मैं नहीं थक कर पड़ूंगा, तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा। अब तुम्ही को सौंपता हूँ बस बहन का ध्यान रखना। चौखट में अपनी पत्नी के लिए लिखा, यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर माँ तेरे वतन पर अपना इश्क भी कुर्बान है। अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूँ, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हूँ, मांगता हूँ कि तुम अमर बलिदान की बिंदिया सदा माथे सजाना, हाथ में चूड़ी पहनकर पांव में मेहंदी रचाना, तुम नहीं वैधव्य की प्रतिमूर्तिया की साधिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। जानता हूँ बालकों के प्रश्न कुछ सुलझे ना होंगे, जानता हूँ बालकों के प्रश्न कुछ सुलझे ना होंगे, सैकड़ों ही प्रश्न होंगे जिनमें वे उलझे तो होंगे, पूछते होंगे कि पापा है कहाँ कब आएंगे, और हमको साथ लेकर घूमने कब जाएंगे, पापा हमको छोड़कर जाने कहाँ बैठे हुए हैं, क्या उन्हें मालूम है कि हम उनसे रूठे हुए हैं। तो तुम उन्हें समझाना कि यूं जिद पर अड़ जाते नहीं, ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं। अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूँ, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हूँ, मांगता हूँ कि तुम अकेली हो, कि तुम अकेली हो पर धैर्य को खोने मत देना, भर उठे दुख से हृदय पर आंखों को रोने मत देना। आज तुमसे एक अधिकार बिन बताए ले रहा हूँ, मांग का सिंदूर तुम्हारा मातृभूमि को दे रहा हूँ, मांग का सिंदूर तुम्हारा मातृभूमि को दे रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद साम्या। इसी के साथ तैयार वाक प्रतियोगिता की समाप्ति होती है। जो प्रतियोगी दूसरी घंटी के बाद भी बोलना जारी रखेंगे उनका यथोचित मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तक्षण वाक प्रतियोगिता के पहले प्रतियोगी हैं दिया सिंह, जिनके वक्तव्य का शीर्षक है मेरे जीवन का लक्ष्य। अतः दिया सिंह, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं दिया सिंह और मेरे आज का विषय है मेरे जीवन का लक्ष्य। जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, परंतु मृत्यु ही इसका लक्ष्य नहीं होता। यह कथन जीवन सार नामक कविता से ली गई है। आज हमारे देश में हर एक युवा पीढ़ी से पूछिए, आप क्या करना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं बड़े होकर के विदेश जाना चाहता हूँ। अपने देश को क्यों भूल जाते हैं लोग? उन्हें क्यों भूल जाते हैं जिन्होंने उन्हें पढ़ा लिखा कर यह सब बनाया है? परंतु हम एक छोटी सी प्रयास तो कर सकते हैं। अतः मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि यदि मैं शिक्षिका होती, यदि मैं बालकों को पढ़ाती, तो उन्हें अच्छे और नेक रास्ते पर चलने की सीख देती। धन्यवाद। धन्यवाद दिया। हमारी दूसरी प्रतियोगी है अनन्या मिश्रा, जिनके वक्तव्य का विषय है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। माँ मुझे आने तो दे इस दुनिया में, मत मार मुझे। पापा तो कल मुझे यही बोल रहे थे, पर तू चिंता मत कर, मैं तुझ पर कोई बोझ नहीं आने दूंगी। बस तू मुझे पढ़ाना लिखाना, मैं भी वही काम करना चाहती हूँ। वो नहीं है जो सफेद कोट पहनकर लोगों की जान बचाते हैं, डॉक्टर। अगर मैं डॉक्टर बनूंगी तो अपनी जैसी और किसी नन्ही जान की जान नहीं जाने दूंगी। पर मैं वो डॉक्टर नहीं बनूंगी जिसने मेरे पैदा होने से पहले ही कानूनों को तोड़कर मेरे परिवार को ये बता दिया कि मैं एक बेटी हूँ, उनके घर के लिए बोझ हूँ, और इसी वजह से आज वो मेरी हत्या करने वाले हैं। आज वो डॉक्टर ही मेरी हत्या करने वाला है, बस तू हिम्मत दिखा। धन्यवाद अनन्या। हमारी अगली प्रतियोगी है श्रृंजल भारद्वाज,
जिनके वक्तव्य का शीर्षक है जीवन संघर्ष है स्वप्न नहीं। अतः श्रृंजल भरद्वाज। जन्म हुई थी आंखों में अश्रु लेकर, कदम बढ़ाया था मन में आशाएं लेकर, बड़ी हुई थी नैनों में स्वप्ने लेकर, काबिल बनी थी संघर्ष करने के तमन्नाएं लेकर। सोच को आजाद रखा, मन में ना कोई मजाक रखा, राहों में जिंदगी ने मुश्किलों को रखा, मैंने भी हाथों में हिम्मत को रखा। जो बचपन में महज एक ख्वाब था, आज मेहनत का फल है। जो जीवन सिर्फ सपनों का मंजर था, आज संघर्ष का रूप है। सुप्रभात सभी को, मेरे न्यायाधीशों को। आज मैं अपने विषय जीवन एक संघर्ष है स्वप्न नहीं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। जिंदगी की राह ही बनकर, ठोस भरे आशाएं भरे कदम रखकर, जीवन को स्वप्न मानकर चल तो रही थी मैं, लेकिन आगे बढ़ी तब जब मैंने इसे संघर्ष समझा। आशा मजबूत बड़े कदम रखे, मन में विश्वास रखा। जो लोग सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मेहनत करते हैं वे लोग आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन जो लोग अपने रक्षक जैसे प्रकृति के लिए और अपने प्रियजनों जो उन्हें खुशी देते हैं और उनके मन उनके जीवन में रस भर देते हैं उनके लिए मेहनत करते हैं और इच्छा करते हैं, वे ना सिर्फ आगे बढ़ते हैं वे अपने मंजिल से डगमगाते भी नहीं है और अडिग खड़े रहते हैं। जो लोग अपनी देश की मान सम्मान को बनाए रखने के लिए, अपने प्रियजनों को खुश रखने के लिए एवं अपने मन में विश्वास रखते हुए अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, यकीन मानिए उनकी ही जिंदगी अब स्वप्न से नाम हटाकर संघर्ष नाम से प्रचलित हो जाती है। अगर सिर्फ नैनों में ख्वाहिशें हो, अंतर मन में आशंकाएं हो, दिल में उम्मीद हो, तो कुछ ना हासिल होगा जनाब। हाथों में होगी हिम्मत, मुट्ठियों में होगी विश्वास, अर्जुन सा निशाना होगा, होगा जब आंखों में लक्ष्य होगा, जब मेहनत करने की तमन्ना आए तब कदम खुद ब खुद उठेंगे, तब मूरत इंसान बन जाएगा, तब जीवन संघर्ष बन उठेगा, तब सब कुछ आसान लगने लगेगा, तब मंजिल सामने नजर आने लगेगी, तब हाथ खुद उठेंगे, तब कदम खुद बढ़ेंगे, तब मैं उड़ूंगी, तब सबके चेहरे पे मुस्कान आएंगे, तब सारे सपने साकार हो जाएंगे और तब जीवन असल में संघर्ष बन जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद श्रृंजल। हमारे अगले प्रतियोगी है मयंक खंडेलवाल, जिनके वक्तव्य का शीर्षक है समय का महत्व। अतः मयंक खंडेलवाल। सुप्रभात। आज मैं अपने मन के आंतरिक भावों का स्पष्टीकरण अपने विषय समय का महत्व पर करना चाहूंगा। समय बड़ा बलवान है, यह सबसे मूल्यवान है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में समय का महत्व नहीं जाना उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कमाया। हम अपने संपूर्ण जीवन में जिस भी कार्य को परिपूर्ण करने में लगे रहते हैं उसके लिए महज एक ही बंधन होता है, समय, समय और केवल समय। तो अंत में मैं अपने वक्तव्य को विराम देते हुए यह कहना चाहूंगा कि यदि हम संपूर्ण जीवन समय के हिसाब से चलने का प्रयत्न करें और मेहनत करते रहें तो एक समय जरूर आएगा जब समय के हिसाब से आप नहीं चलेंगे, समय आपके हिसाब से चलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद मयंक। हमारी अगली प्रतियोगी है निशा रानी, जिनके वक्तव्य का शीर्षक है जहां मेहनत वही सफलता। अतः निशा रानी। लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती, लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सरलता, सज्जनता और विद्वता की प्रतिमूर्ति माननीय शिक्षक गण एवं मेरे सहपाठियों को मेरा नमस्कार। जहां 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 मेहनत है वहां सफलता है। जिंदगी में कुछ भी करना हो, कुछ भी पाना हो तो मेहनत सबसे प्रथम सिद्धांत है। काम, अनवरत काम यानी निरंतर परिश्रम। बिना मेहनत के सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि मन ही मन कामना करने से आप पर्वत नहीं चढ़ सकते, आप नदियों में तैरना नहीं सीख सकते।
सफलता रूपी ताले को खोलने के लिए चाहिए मेहनत रूपी कुंजी। महाकवि भास ने भी अपने निष्कर्ष में कहा है कि सतत कर्मों से पौरुष की पुरुषता सिद्ध होती है, अर्थात निरंतर परिश्रम से आपको मनोवांछित सफलता मिलती है। जब एक विद्यार्थी परिश्रम करता है तो परीक्षा में सफल आता है, जब एक व्यापारी परिश्रम करता है तो लक्ष्मी भी उनकी दासी बन जाती है, जब एक कारीगर परिश्रम करता है तो सफलता के उद्योग भी उसके चरण चूमते हैं, जब एक वैज्ञानिक परिश्रम करता है तो जल थल दूर डालता है और नभ में भी अपना विजय पताका फहराता है। अरे एक चींटी भी अपने भार का 3 गुना उठाकर गर्मियों में मेहनत कर ठंड के लिए खाना जमा करती है। एक किसान भी बहुत मेहनत करता है, खेत जोतता है, बीज बोता है, वर्षा का इंतजार करता है और तब जाके वह एक अन्न उगा पाता है जो हम बाजार में कुछ पल में खरीद लाते हैं। इसीलिए सच कहा है कि जो सागर में उतरते हैं उन्हें मोती मिलते हैं और जो सागर के छिछले किनारों पर रह जाते हैं उन्हें सीप और शंखों के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। दैनिक जीवन में भी जो परिवार परिश्रमी होता है वह सुख और समृद्धि की तरफ पग बढ़ाता है, मगर जो व्यक्ति आलस करता है, परिश्रम से जी चुराता है, उसके मुंह कुत्ता चाटता है। परिश्रम सबसे बड़ा सौभाग्य है। अगर आप परिश्रम करें तो भाग्य भी आपका गुण बनकर आपकी सहायता करता है। अगर भारत के इतिहास की बात की जाए तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और जाने कितने ही राजनेताओं सिपाहियों ने कठिन परिश्रम किया, अंग्रेजों से लड़ाई की और कुर्बानियां दी, तब जाके हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। पौराणिक कथाओं में भी कहा गया है कि जब देवों और दानवों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथती बनाया और शेषनाग को डोरी बनाया तब जाकर सागर के गर्भ से उन्हें अमृत प्राप्त हुआ। श्रम शारीरिक हो या मानसिक, सामान्य हो या असामान्य, सुफल अवश्य लाता है। अतः अपने वक्तव्य को विराम देते हुए कहना चाहती हूँ कि रंग लाती है मेहंदी पत्थर पे घिसने के बाद और सुरखरू होता है इंसान पत्थरों से ठोकरे खाने के बाद। धन्यवाद। धन्यवाद निशा। हमारे अंतिम प्रतियोगी है आयुष अंश, जिनके वक्तव्य का शीर्षक है एक यादगार यात्रा। अतः आयुष अंश। जीवन स्वयं में ही एक वरदान है और मानव जाति में जन्म लेना किसी उपहार से कम नहीं है। अगर सरल शब्दों में बताना चाहूं तो जीवन उस उतार चढ़ाव की अनंत लीला को कहा जाता है जो कभी खत्म नहीं हो सकती है। जीवन पर एक काल मनुष्य के जीवन में ऐसा भी आता है जब इस उतार चढ़ाव से वो मनुष्य परेशान हो जाता है। सदा के लिए तो नहीं, पर शायद कुछ लम्हों के लिए वह अपनी जिम्मेदारियों, काम काज सबसे एक विराम चाहता है। तब हम मानव निकलते हैं यात्रा पर। जरूरी नहीं है कि वह यात्रा पहाड़, चोटियां या तो फिर जंगल की हो। भारत है साहब, यहां रिश्ते ही एक यात्रा को जन्म दे देते हैं। नमस्कार, आज मैं आयुष अंश आज सभी के सामने ऐसी ही अपनी एक यादगार यात्रा का वर्णन करने जा रहा हूं। वैसे तो मैं घर से निकला था अपने दूर के मामा जी से मिलने के लिए था। बातचीत तो ज्यादा नहीं होती थी, पर भारत संस्कृति की खूबसूरती ही तो यही है, लंबे दूर दराज के परिवार। वैसे अपने देश प्रेम के भावनाओं को थोड़ा विराम देते हुए मुद्दे पे आना चाहूंगा। हम मानव जब भी कुछ सोचते हैं वो कभी नहीं हो पाता है, पर यदि यात्रा भी नहीं सोची की जाए तो सफल भी नहीं हो पाती है। हम घर से निर्धारित समय पर ही निकले, गड्ढे नालों को पार करके बस पर भी सही समय पर पहुंच गए। बस ने हमें रेलवे स्टेशन पर भी उतार दिया, पर होनी को कौन टाल सकता है, हमारी आंखों के सामने से जिस ट्रेन में हमें बैठना था वो निकल गई। पर हमने समझा शायद कोई और ट्रेन निकली है, ये भ्रम होना भी जायज था। अंग्रेजी या हिंदी में कुछ लिखा होता तो समझ जाता, पर लिखा सब मलयालम।
अब मैं दक्षिण दिशा में क्यों गया था वो किसी और दिन बताता हूँ। अभी आगे क्या हुआ ये ध्यान से सुनिए। कुछ देर के इंतजार के बाद उसी प्लेटफॉर्म पर एक दूसरी ट्रेन आ खड़ी हुई। यात्रा छोटी थी इसीलिए हमने जनरल बोगी में रिजर्वेशन सही समझा। सीट का कोई झमेला नहीं था, राजी खुशी हम ट्रेन पर चढ़ गए। अब 2 घंटे की यात्रा 5 घंटे में बदल गई और ट्रेन अभी तो मंजिल तक नहीं पहुंची। किस्मत शायद थोड़ी अच्छी थी, रात के 1 बजते होंगे। ट्रेन में एक परिवार ने प्रवेश किया, उन्हें हिंदी थोड़ी अच्छी आती थी पर उन्होंने जिस बात को बताया वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ट्रेन गलत तो गलत सही, ट्रेन उल्टी दिशा में जा रही थी और ट्रेन अब 5 बजे सीधा सुबह रुकने वाली थी। आगे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें नहीं करें वही सोचते 1 से 5 हो गया। हद तो तब हो गई जब हमारे खाने दाने के साथ हमारा मोबाइल और पैसा भी चोरी हो गया। कोई उपाय बचा नहीं था। रेलवे स्टेशन पर 5 बजे उतर तो गए, घर जाए भाड़ में खाए क्या वही नहीं समझ आ रहा था। मैं उस समय 5 या 7 वर्ष का रहा हूंगा तो शायद मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर पड़ सकती है। मुझे याद है हम 2 दिन तक रेलवे स्टेशन पर थे, भीख ने नहीं मांगा था पर खाने के लिए कुछ तो था हमारे पास। वो 2 दिन आज भी मुझे याद आते हैं। 2 दिन बाद घर तो लौट गया। कैसे लौटा याद दिलाता हूं। भारतीय संस्कृति का पहचान लंबे दूर दराज के परिवार होते हैं। यात्रा तो मैंने बहुत की उस समय के बाद भी और उस समय से पहले भी, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर हर तरफ की, पर आज भी जब भी यात्रा का नाम सुनता हूं मुझे यही यात्रा याद आती है और इस तरह ये यात्रा मेरी सबसे प्रिय यात्रा बन जाती है। धन्यवाद। धन्यवाद आयुष, इसी के साथ हमारा समय समाप्त होता वाक प्रतियोगिता की समाप्ति होती है। अब मैं इन ज्योति टीचर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे प्रतियोगियों के उत्साह वर्धन हेतु 2 शब्द कहें। दौड़ में दौड़ते हैं सभी, दौड़ में दौड़ते हैं सभी, लेकिन सेहरा बनता है किसी एक का। निर्णय करना हमारे लिए बहुत ही कठिन था कि किसे कितना अंक दिया जाए, लेकिन निर्णायक मंडली होती ही है निर्णय देने के लिए और उन्हें फैसला लेना पड़ता है। आप सभी वक्तव्य के रूप में यहाँ खड़े थे और आप जब बोल रहे थे तो आप लोगों का बोलना मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आपके जो भाव थे वो भी बहुत अच्छे थे। आपने अपनी पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपना विचार रखा और मैं माता पिता को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने यह अवसर दिया बच्चों को और उनको सहयोग दिया कि आज वे इस मंच पर उपस्थित हो पाए। कुछ बातें हमें ध्यान देने की और सीखने की आवश्यकता है जब हम मंच में खड़े होते हैं और हमारे सामने निर्णायक मंडली होती है तो हम अपने भावों को कैसे व्यक्त करें, इन सारी बातों पर ध्यान देना हमारे लिए बहुत आवश्यक है और इसी के माध्यम से ही आप सबों का निर्णय भी होता है। तो मैं कुछ बातों को बतलाना चाहूंगी जो हमारे लिए आवश्यक है और सबसे बड़ी बात है कि जब हम बोलते हों, जब हम सामने खड़े हों, जब मंच में हम हों तो हमारे अंदर का आत्मविश्वास है वो दृढ़ होना चाहिए और मन में स्थिरता होनी चाहिए, तभी हम अपने भावों को जो हमारे लिए विषय वस्तु दी गई है उसको व्यक्त कर पाएंगे। हम जो विषय वस्तु हमारे सामने होती है उसमें उसको हमें समझना है
और उसके अनुसार हमें ढल जाना है। यदि हम उसमें ढल जाते हैं तो हम अपने भावों को बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त भी कर सकते हैं। शब्दों का ठहराव, शब्दों का सही उच्चारण, लय, इन सारे बातों का अगर हम ध्यान दें तो हम भावों को बहुत अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। आप लोगों के विचारों को, आप लोगों के भावों को, भावों की मैं सराहना करती हूं और अपने वक्तव्य को विराम देती हूं दो पंक्तियों के माध्यम से। कोई मंजिल यदि हमारे सामने खड़ी हो, कोई मंजिल यदि हमारे सामने खड़ी हो तो उस मंजिल को देखना, आगे की ओर भागना और भागते जाना तो रास्ता स्वयं खुल जाएंगे। इसी के साथ सहृदय धन्यवाद। धन्यवाद टीचर। अंत में प्रतियोगियों का उत्साहवर्धन करने हेतु मैं आदरणीय उप प्रधानाचार्य महोदय को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। Good morning to one and all. Though this is a Hindi elocution contest and speech contest, I will take the opportunity to speak in English. First of all, what makes human being different from other animals? It is the power of speech. That makes us different from other animals in this planet. The way you speak brings out your personality. You'll find that all major competitive exams, the most important one of them is the Indian Administrative Services, in that a lot of points are given for your interview. People do qualify the prelims and the mains, but they get defeated in their interviews. The reason behind is your way to express your inner feelings in the way of verbal communication. That's very important. School provides you a platform to master that art. And I'm very happy to see that despite this COVID situation, so many of you took the opportunity that was placed in front of you. It is always good to have this auditorium filled in with all the sitting capacity of 2,500 plus seats here, 1,600 plus seats here. But today we are just 50 of us, or even less, maybe. Because it gives you, energizes you, and tries to bring out your, nervousness to be a public speaker. Let me first congratulate each one of the participants, because if you wouldn't have been there today, this competition wouldn't have been successful. So whatever the decision comes, for me, coming onto this stage and delivering your piece, it itself winning a prize. So let me congratulate each one of you with a big round of applause for each one. I take this opportunity to thank our principal, Reverend Father Rosner, for giving us this opportunity to call you to the school and let you practice for 2 days, and then on the final day, on the finale day, you delivered your speech. Thank you, Father, for all the encouragement that you gave us. I'd also like to thank the organizing committee, headed by a single person, the head of the Department of Hindi, Ms. Sia Mishra, for organizing this speech competition. Thank you, ma'am.
I place my thanks to all the judges, especially the ones who had engagement to take the tough job of evaluating the students, Mrs. Neetu Khurana, Ms. Baby Singh, and Ms. Injyoti Minj. Thank you very much for coming and helping us out. A special thanks to the parents, some of you are here, many are not here, for allowing your children to come out of the monotony of only online classes to be a part of this competition and be a part of today's program. Thank you very much. My special... All right. I mentioned in the beginning itself, who is the winner? Each one of you. So don't get disappointed if I don't call out your name. I will definitely do it because we'll give you a participation certificate also. So let me begin with the third position in class 11, prepared speeches. The third position, there is a joint third, Somo Datta and Samriddhi Sinha. So there won't be any second then. And the judges have said that there were two first. Right. Neha Naz and Ekta Subham. We, in recognition of the hard work of the participants, we all like to honor them as well. Asvi Kumari and Samiksha Soni, please come and have your participation certificates. All right, in the Hindi prepared speeches for class 12, third, I believe in going from back forward. Anushka Dubey, third place. Second, Sana Afreen. And the judges have decided to hold Kashmira Datta in the first position. And you all are no less, Abhas Garg, Shifa Haq, and Samia Islam. Shifa
The difficult part of any speech competition is extempore, where you are given a topic just an hour before and you have to prepare and deliver. So, coming to the results of the extempore for 11th and 12th jointly, Srinjal Bharadwaj is in the third position. In the second place is the traveler who was traveling in South India with all Malayali and all other things, Ayushansh. And the judges have decided Nisha Rani to be in the first place. So the participation, Samay Ka Mahatwa, Mayank Khandelwal, Ananya Mishra, and Ms. Diya Singh. Again, good morning, everybody. Many things are said. In Jyoti, ma'am also came and she gave her observation where to improve. And Debra sir also said the purpose. And the beginning, myself, I said the purpose of this organizing such co-curricular activities. So I don't want you should be disappointed by these. These are all part of life. I said you give importance to yourself, your participation, coming and standing and speaking is not a simple thing. And you know how much energy, how much preparation it goes. Again, as judgment is done, somebody has to be given. If everybody is honored, then again there will be no competition kind of thing. But competition is competition, but still, I said at this stage, I don't want you to take on the point of losing and winning. I said, you give your best and be happy. The rest, let them judge. That's what I had made the statement. I suppose you'll take that positively and don't be discouraged with the result. And those winning, yeah, should be happy because you worked hard and then you have achieved something. But it's not the final achievement. Life has to go a long way. Learning is ongoing process. So keep in mind all these things. And of course, again, don't stop here. This is only one bit of piece of your life. This, the encouragement of the confidence, self-confidence you have developed, make sure you continue with that spirit. Wherever you get opportunities, please take the opportunity, jump into it, and then prove yourself you can do plenty of things. So thank you once again, all of you, to teachers and then students, and those who helped to organize this very successfully. Thank you. Oh, I forgot to thank them also. Yeah, good. This is you also have played a good role. So that's also part of anchoring. So anchoring also means a lot. Everything depends on anchoring. And I think you also got opportunity to anchor. So that's also an art. Learn that also. Okay. Thank you, one and all. Thank you.